अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि SSC, रेलवे, CTET, UPTET और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया। सो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के GK GS के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसमें जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है तो मैं उनके नाम यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन है और आंसर दिया है। सही आंसर अंकित नाथ ने दिया है, शुभम तिवारी हैं, कुमार शुभम हैं, प्रणव वाष्णेय है और उसके बाद अंकित वर्मा का सही आंसर है और राकेश और फिर है फोर यू माई लाइफ अमित राजपूत, अंकित अमित पांडे ने सही आंसर दिया है, सुपर डुपर हिट लव गुरु इन्होंने सही आंसर दिया है, एलेक्स डुंग डुंग ने सही आंसर दिया है, राजकुमार यादव का आंसर सही है, पांडे सौरभ का आंसर सही है और उसके बाद आते हैं रिंकू कुमार, उनका भी आंसर सही है, अमित मिश्रा का आंसर सही है, इंजीनियरिंग प्लेसमेंट के नाम से हैं इनका भी आंसर सही है, मोंटू मध्यान का आंसर सही है, अनिल कुमार ने सही आंसर दिया है और आगे चले तो संदीप कुमार का आंसर सही है, मूषा चौहान का आंसर सही है, शैलेंद्र सिंह ने भी सही आंसर दिया है, गिरिराज कुमार का आंसर सही है और समीर मिर्धा का आंसर सही है, एवरीथिंग पॉसिबल विद मी ने सही आंसर दिया है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, शाहीन परवीन का आंसर सही है, अमित कुमार का आंसर सही है, बब्बन सिंह, सागर सिंह, कुलदीप शर्मा, जितेंद्र शुक्ला, गंगा भीषण, कृष्ण मौर्या और शांकी सैनी, रामेंद्र सिंह, ठीक है। तो इन सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो आज भी गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन फिर से पूछूंगा और कल की वीडियो में वो नाम भी डिक्लेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो उसका सही आंसर है वो है कटक, कटक। और जो ये है विंध्या हारपुर, जगह है एक विंध्यापुर, ठीक है, विलेज कटक में, ठीक है, पारादीप रोड पर उड़ीसा में स्थित है और वहां पर ये रिसर्च राइस रिसर्च स्टेशन स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट है और सही आंसर है नेपाल, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो 8,848 मीटर, ठीक है, और अगर फीट में बात की जाए तो 29,029 फीट, ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाती है समुद्र तल से, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये है महलांगुर माउंटेन रेंज है नेपाल के अंदर, उसमें स्थित है महलांगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो वो झील है बेकाल झील, बेकाल झील, और इसकी जो गहराई है वो है 5,387 फीट, अगर मीटर में बात की जाए तो 1,642 मीटर, और ये अवस्थित है साउदर्न रशिया में, ठीक है, दक्षिणी रशिया का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें स्थित है और वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है, ठीक, क्लियर, याद रहेगा। और बेकाल झील को वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट है, डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन, भारत में डायमंड खाने कहाँ पाई जाती हैं। तो
भारत में जो फेमस जगह है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में क्षेत्र है पन्ना। ठीक है, पन्ना में हीरे की खाने मिलती हैं, सबसे ज़्यादा मिलती है पन्ना। एक सिटी है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में स्थित है, और डायमंड के लिए, डायमंड की खान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने गाना भी सुना होगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, ठीक है, तो वहीं से इंस्पायर है ये गाना भी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर, द यूनिट करेंसी यूज्ड इन जर्मनी इज, जर्मनी में उपयोग की जाने वाली इकाई मुद्रा क्या है? तो सही आंसर है यूरो, जर्मनी में चलता है यूरो। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की बात करें, जर्मनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और जो इसका लैंडस्केप है, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन रेंज एंड नॉर्थ सी बीचेस के लिए काफ़ी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, टूरिस्ट लोग काफ़ी जाते हैं जर्मनी में इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, लैंडस्केप को देखने के लिए। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, तो अब आपका आज का क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से कि आपको बताना है कि जर्मनी की कैपिटल क्या है। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल आपको बतानी है। क्लियर, कमेंट में बताना है। और कल जो हमारी वीडियो आएगी मॉर्निंग वाली जीके जीएस की, उसी वीडियो के स्टार्टिंग में उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम लिए जाएंगे जिन्होंने सही आंसर दिया होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। इन विच इंडियन सिटी वुड यू बी इन इफ यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। यदि आप खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो आप किस भारतीय शहर में होंगे? तो सही आंसर है इसका पटना, बिहार। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी, वहीं पर खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, और उसको जो स्थापित किया गया था, खोला गया था पहली बार, वो खोला गया था अक्टूबर 1891 में। ठीक, और यहां पर जो 4,000 मैन्यूस्क्रिप्ट पाए जाते हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर 4,000 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं। ठीक है, इट इज गवर्नमेंट बाय ए बोर्ड विद द गवर्नर ऑफ बिहार एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड इज नोन फॉर इट्स रेयर कलेक्शन ऑफ पर्शियन एंड अरबिक मैन्यूस्क्रिप्ट। तो यहां पर पर्शियन और अरबिक मैन्यूस्क्रिप्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, तो काफी फेमस लाइब्रेरी है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इसमें आपको मिल जाएंगी पेंटिंग्स भी मिलेंगी, और पेंटिंग्स उस दौरान की हैं, राजपूत एंड मुगल एराज के समय की आपको यहां पर पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कयात इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच एशियन कंट्री? कयात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कयात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो सही आंसर है बी, म्यांमार। ठीक है, बर्मा, बर्मा जिस जो म्यांमार का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ पंजाब इज द रेल कोच फैक्ट्री द पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज लोकेटेड? पंजाब के किस शहर में रेल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे के यात्री कोच विनिर्माण इकाई स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है कपूरथला। कपूरथला, ठीक है, पंजाब स्टेट का एक सिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का, और इसको जो बनाया गया था 1986 में बनाया गया था। ठीक है, और ये आरसीएफ के नाम से फेमस है, रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है, शॉर्ट नेम आरसीएफ के नाम से फेमस है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है इंडियन रेलवे के लिए, कोच के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? डचिगम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित भारतीय राज्यों में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये? इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, और ये जो बनाया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1910 ईस्वी में।
ठीक है, 1910 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था डिचियम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, हिमालय वेस्टर्न हिमालय की जो वादियां हैं, ठीक है, वहां पर ये अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे वाइल्ड वैरायटी मिलेगी आपको, फ्लोरा एंड फौना विद ग्रासलैंड, पेस्टर्स, मेडोज विद रॉकी क्लिप्स एंड रॉकी आउटक्रॉप्स। तो पहाड़ों की हसीन वादियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की वनस्पति आपको मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जानवर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन है कि अहमदाबाद इज आल्सो नोन एज, अहमदाबाद को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है बोस्टन ऑफ इंडिया, इंडिया का, भारत का बोस्टन। ठीक है, भारत का एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है अहमदाबाद का नाम। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में मुंबई के बाद, और मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज में भी इसका नाम आता है, भारत के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। ठीक है, और इसको अहमदाबाद को अहमदाबाद, AMDAVAD, अहमदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी है और फॉर्मर कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात की राजधानी पहले रह चुकी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल गांधीनगर है। क्लियर। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको यही सब क्वेश्चंस कराने थे, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन आप बताइए कि 10 में से आपके कितने सही हैं। 9, 10 में से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जितने भी आपके सही हैं बताइए। इससे आपको एक तो क्वेश्चंस मिल रहे हैं सामने, और आपको आपका टेस्ट हो रहा है, आप खुद से अपने आप को चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, साथ ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलती है जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो अपने आप में एक बेनिफिशियल सीरीज है, इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहें, बने रहें। और इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिससे कि आपका और हमारा एक बॉन्डिंग बनी रहे। ठीक है, तो आज भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर आप बताइए कि जर्मनी की राजधानी क्या है। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बतानी है, और जो स्टूडेंट सही आंसर देंगे उनका नाम कल अनाउंस करूंगा कल की वीडियो में। क्लियर गाइस। तो एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सअप फेसबुक पर। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले।